अस्सलाम वालेकुम, शाह टाइम्स के एक और एपिसोड से आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है शाहरुख और आज मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद से आगे की तरफ, मतलब गरीबाबाद पर। गरीबाबाद जहाँ पर फर्नीचर मार्केट है, वैसी एक यहाँ पर कुल्फ़ी का एक अलग स्वैग है। कुल्फ़ी के अलग अलग स्टॉल मेरे पीछे आप देखें, एक वो स्टॉल है, एक ये स्टॉल है और इसी के साथ साथ एक और स्टॉल है और एक अलग कंपटीशन है यहाँ पर कुल्फ़ी का। इत्तेफाक की बात है, सब पर ये बूढ़े बूढ़े से अंकल मौजूद होते हैं। जब बूढ़े की जब बात आ जाती है तो आप एक्सपीरियंस का टेस्ट ले लें। तो काफ़ी नाम सुना है यहाँ मोहम्मदी कुल्फ़ी पर हम मौजूद हैं आज, और आज आपसे एक कुल्फ़ी की बातें शेयर करता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि ये कुल्फ़ी कब से है। काफ़ी ज़्यादा फेमस इनकी एक मलाई कुल्फ़ी है, इसी के साथ साथ पिस्ता कुल्फ़ी है, और जो कि बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस पर है। पूछते हैं क्या सीक्रेट है, और एक चीज़ बताऊँ आपको, 65 साल पुरानी दुकान है ये, 65 साल पुरानी दुकान। तो चलते हैं, और एक चीज़ और, अहमर भाई हमेशा की तरह इस वीडियो में मौजूद है, कुल्फ़ी के लिए एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कुल्फ़ी इनकी शौकीन भी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं 65 साल पुरानी कुल्फ़ी। तो चलो फिर। क्या सीक्रेट? अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? वालेकुम सलाम बेटे। आपकी दुकान कब से है? बेटे 32 साल हो गए। अच्छा, मैंने सुना है 65 साल हो गए। 65 साल आपकी उम्र है क्या? मेरी उम्र 65 साल है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, आपके पास कौन सी कुल्फ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है? मलाई कुल्फ़ी ज़्यादा बिकती है मेरे बेटे, पिस्ते वाले को शौकीन खाता। अच्छा, मलाई कुल्फ़ी की क्या रेट है? 70 रुपये। और पिस्ते वाली कुल्फ़ी की? 80 रुपये। तो ये थे भाई हमारे मुश्ताक साहब, इनसे चेक करते हैं, इनकी मलाई कुल्फ़ी भी चेक करते हैं और पिस्ते वाली कुल्फ़ी। तो मुश्ताक साहब, हमारे लिए अब आपने लगानी है एक मलाई कुल्फ़ी स्पेशल और एक पिस्ते वाली कुल्फ़ी स्पेशल। चलें जी, चेक करते हैं। देखें भाई, ये बन रही है हमारी कुल्फ़ी। ये कौन सी बना रहे हैं? नहीं, मलाई वाली या मलाई वाली। ये मलाई वाली एक बनेगी, एक बनेगी पिस्ता कुल्फ़ी। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होती है? अच्छा जी, चेक करते हैं। अच्छा, ये फ़र्क होता है भाई, ये चेक करें। ठीक है, एक इसमें से हमारी ये डाला फालूदा। ये मलाई कुल्फ़ी क्यों कहते हैं? अच्छा, मलाई कुल्फ़ी कहलाती है बेसिकली, इसके ऊपर नौरस। ये देखें भाई, ये हमारी दो कुल्फ़ी हो गई तैयार, एक पिस्ता कुल्फ़ी और एक मलाई कुल्फ़ी। ठीक है, एक चले जी, ये चेक करें भाई, और आपको बताते हैं इसका टेस्ट क्या। अच्छा जी, अब आ गई हमारी सबसे पहले मलाई कुल्फ़ी, ये देखें। ठीक है, ये अगर कैमरे को अगर दिखाएं अहमर साहब, ये चेक देखें भाई, इसके अंदर फालूदा है नॉर्मल सा, इसकी प्राइस 70 रुपये है। ठीक है, और बेसिकली बात होती है कुल्फ़ी के अंदर, ये देखें, ये चेक करें आप, बात होती कुल्फ़ी के अंदर। इसका टेस्ट चेक करता हूँ, बताता हूँ। बेसिकली थोड़ी सी कुल्फ़ी जो है वो गली भी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आप थोड़ा सा पीछे करें, थोड़ा सा आइसक्रीम टाइप का टेस्ट है। और इसी के साथ साथ अब इनकी जो है पिस्ता कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी जो है इसके अंदर भी इन्होंने डाली हुई है, ये चेक देखें, इसको भी चेक करते हैं। पिस्ता कलर टाइप है, पिस्ता कलर टाइप, बस एवरेज टेस्ट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ ठंडी काफ़ी है, लेकिन टेस्ट में थोड़ी सी मैं ये कहूँगा, ये देखें दोनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो मलाई कुल्फ़ी जो है ना वो थोड़ी सी पिस्ता कुल्फ़ी से बेटर है। ये मलाई कुल्फ़ी पिस्ता कुल्फ़ी से थोड़ी सी बेटर है। सत्तर रुपये की मलाई कुल्फ़ी
₹80 की पिस्ता कुल्फी, एवरेज टेस्ट भी एवरेज, लगता पता काफ़ी नाम सुना था, ठीक है। मैंने तो बस आपको ये कहूँगा एवरेज है, मुझे ज़्यादा मज़े की नहीं लगी। हाँ जी, अब हम दोबारा से एक और एक शॉप पर मौजूद हैं, गरीबाबाद की कुल्फ़ी वाली शॉप पर। गरीबाबाद पे कुल्फ़ी का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इससे पहले आपको मोहम्मदी की कुल्फ़ी दिखाई थी और उसका रिव्यू मैं आपको एंड में दूंगा, और इसका कंपैरिजन ये अलवदूद वालों से। अलवदूद का जो एड्रेस है वो काफ़ी आगे है, ठीक है। मोहम्मदी मेरे पीछे थी, आपने देखा था, वो मोहम्मदी की शॉप से, ठीक है। और ये है अलवदूद, अलवदूद के पास भी सेम रेट है लेकिन जायका अलग है। आपका नाम मोहम्मद अशरफ भाई का दावा है कि आप मेरी कुल्फ़ी खाएं आप दीवाने हो जाएंगे, तो अब हम देखते हैं दीवाने होते हैं या नहीं। आपको तो मज़ा आया था या नहीं? नहीं, मज़ा नहीं आया। तो अब हम इनकी कुल्फ़ी चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी कुल्फ़ी कैसी है। तैयार हो गई? चलें जी, अब इसका चेक करते हैं स्वैग और आपको ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगा। अशरफ भाई, आपको भी ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास है, ये देखें, मलाई कुल्फ़ी। आपको ट्राई करके बताता हूँ अलवदूद वालों की कुल्फ़ी कैसी है। ये देखें, इसको चेक करें, सिंपली टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मोहम्मदी पे खा कर आए थे, उनमें और इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये मेरे ख्याल में प्योर मिल्क पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसका मुझे बेसिकली समझ नहीं आया, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और इसकी जो बात है ना अलवदूद की, वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये दोबारा से मैं आपसे एक स्पून और चेक करता हूँ। क्या बात है। अब इसी के साथ साथ पिस्ता कुल्फ़ी, पिस्ता कुल्फ़ी है भाई अलवदूद वालों की। ये मेरी बाइट, अमर भाई के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन रिव्यू तो मैंने देना है। बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, ठीक है। बाकी ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको अलग से वीडियो में दूंगा कि मुझे मोहम्मदी की कुल्फ़ी ज़्यादा पसंद आई या अलवदूद की, तो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ ये कुल्फ़ी फिनिश करने के बाद। तो प्यारे दोस्तों, दोनों जगह की मैंने कुल्फ़ी ट्राई की है, अलवदूद की भी कुल्फ़ी ट्राई की, मोहम्मदी की भी कुल्फ़ी ट्राई की। दोनों का कंपैरिजन करता हूँ तो अब मोहम्मदी की कुल्फ़ी इतनी ज़्यादा मेल्ट हो जा रही थी बहुत ज़्यादा जल्दी, और ऑनेस्ट रिव्यू मेरा यही है, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, अलवदूद बाजी ले गया है। अलवदूद की कुल्फ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, प्योर मिल्क और प्योर रबड़ी से बनाई गई है, उसके अंदर खोया भी डाला था, तब जाकर मज़ा आया। और एक 65 साल पुरानी दुकान जो कि मैं पीछे छोड़ कर आया, पीछे से खा कर आया, सीरियसली मज़ा नहीं आया उस दुकान पर। आप गरीबाबाद आएँ, अलवदूद की कुल्फ़ी लाजमी ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा ठंडी, और अभी भी उसका जो स्वैग है ना और उसका जो टेस्ट है मेरे मुंह में रह गया। आपको बस, आपको मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। किसका ज़्यादा मज़ा आया? अलवदूद की कुल्फ़ी का। अलवदूद की कुल्फ़ी, अशरफ भाई की कुल्फ़ी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।